अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपको मैं स्प्रिंग रोल बनाना सिखाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन बोनलेस, 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। चिकन को बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। वेजिटेबल लें, उनको अच्छी तरह से काटते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वेजिटेबल्स, ये मैं इसको भी आपको बताती हूँ कैसे करना। और चिकन चाहिए, बॉईल किया हुआ चिकन, वेजिटेबल। तो मैं आगे शुरू करती हूँ। बंद गोभी को भी ऐसे बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया इसके साथ, इस वाले कटर के साथ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। इसको हलाते हैं अच्छी तरह से और इसमें सॉसेज और ड्राई मसाला स्पाइस वगैरह मिक्स करते हैं। इसमें मैं डालूंगी, ये दरअसल रोल समोसे का मटेरियल बन रहा है, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच जाएंगी काला सोया सॉस, 1 चम्मच के बराबर रेड चिली सॉस और 1 ही चम्मच इसमें सिरका सफेद। काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच और अजीनोमोटो जाएगा तकरीबन 1 चम्मच, जिसे चाइनीज नमक कहते हैं। 1 नमक मैंने चम्मच नमक की डाली थी चिकन बॉयल करते हुए, अब 1 चम्मच मैंने अब डाल दिया। ये मैंने 1 kg चिकन रखा था बॉईल करके, ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च, चिकन फ्लेक्स, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल इंशाल्लाह तैयार होता है तो मैं आपको भरना रोल में सिखाती हूँ। अपना रोल को बंद करने के लिए हम उसके लिए ये लही सी बनाएंगे। मैदा लेंगे 2 चम्मच, 2 ले लें 3 ले लें, बस इसको इसके अंदर पानी डालेंगे। इसमें कोई लॉन्स ना दे, अच्छी तरह से रोल बना लेंगे। यहाँ पर हमें ली हैं पट्टियाँ, अब मैं इसको रोल बनाना सिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम उसका सही लगाएंगे, यहाँ पर मटेरियल रखेंगे, इधर से ऐसे करेंगे, इधर से। इसको बनाने का तरीका बताती हूँ, ऐसे बनाएं, इसको इधर से ऐसे करें, फिर इसे ऐसे करें और इसको ऐसे दबाते हुए रोल बना दें इस तरह। बाकी के भी मैं रोल बना के आपको बताती हूँ कैसे। इस तरह से बनाएं और फिर हम फ्राई करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे आप तो इसको जिप बैग में डालकर इसको 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। इसको फ्राई करें फ्रीज़र से निकाल के और इसको इंजॉय करें।